हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत एक वर्सेटाइल एक्टर आज हमारे बीच नहीं रहे। वो हजारों यूथ्स के लिए मोटिवेशन थे। आइए देखते हैं उनकी ज़िंदगी की कुछ अहम बातें। सुशांत का जन्म 21 जनवरी 1986 को पटना बिहार में हुआ था। उनके पिता श्री कृष्ण कुमार एक सरकारी कर्मचारी हैं। सुशांत का बचपन पटना में ही बीता और बचपन से ही उन्हें अपनी माँ से बहुत ज़्यादा लगाव था। सुशांत की चार बहनें हैं, जिनमें से एक मीतू सिंह स्टेट लेवल क्रिकेटर रही हैं। सेंट कैरेन हाई स्कूल से इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई की। 2002 में सुशांत की माँ का देहांत हो गया था और इस इंसिडेंट ने उन्हें बहुत दुख पहुँचाया था। इससे वो टूट से गए थे। फिर उसी साल सन 2002 में ही उनका परिवार पटना से दिल्ली शिफ्ट हो गया था। फिर दिल्ली से क्लास 12th सुशांत ने हंसराज स्कूल से कंप्लीट की। सुशांत बचपन से ही बहुत होनहार एवं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे थे। 2002 में ही अपनी माँ के देहांत होने के बाद भी 2003 में उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक किया। और सिर्फ क्रैक ही नहीं, उन्होंने 7th रैंक भी प्राप्त की। और यही नहीं, 12th के साथ ही उन्होंने 11 इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स को पास किया एंड फिजिक्स ओलंपियाड में भी अच्छा स्कोर प्राप्त किया। डीसी से ही उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। 2003 में उन्होंने एडमिशन लिया था और पैसे की कमी को पूरा करने के लिए सुशांत पैरेलली इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को ट्यूशन भी दिया करते थे। साथ ही साथ इन्हें डांस में भी बहुत इंटरेस्ट था, तो उन्होंने शामक डावर की क्लासेस, डांस क्लासेस ज्वाइन की और वहाँ से डांस सीखने लगे। ये बहुत ही अच्छे डांसर थे, तो इसीलिए शामक डावर ने इन्हें परमानेंट डांसर का रोल दिया। और डांस में इंटरेस्ट होने की वजह से इन्होंने इंजीनियरिंग को 3rd ईयर में ही छोड़ दिया, तो बेसिकली सुशांत ड्रॉप आउट थे। 2005 के 51st फिल्मफेयर अवार्ड में सुशांत ने एक बैकग्राउंड डांसर के फॉर्म में डांस किया था। और 2006 के कॉमनवेल्थ गेम्स, जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुए थे, उसकी ओपनिंग सेरेमनी में भी उन्होंने डांस किया। आगे चलकर सुशांत मुंबई शिफ्ट हो गए और वहाँ नादिरा बब्बर के थिएटर ग्रुप में एक्टिंग सीखने लगे। और इसके बाद इन्होंने 2008 में प्रीत जुनेजा का रोल किस देश में है मेरा दिल सीरियल में किया था। और इसके बाद वो सीरियल इंडस्ट्री में आ गए थे। और इसके साथ ही जून 2009 में पवित्र रिश्ता में सुशांत ने मानव देशमुख का किरदार निभाया था। ये रोल बहुत ही हिट था और इसी के साथ उन्हें बॉलीवुड में भी एंट्री मिली थी। और अभिषेक कपूर की मूवी काई पोछे में इन्होंने राजकुमार राव के साथ एक्टिंग की थी, जो कि बहुत ही सुपरहिट मूवी थी। और इसके बाद बॉलीवुड के बादशाह बन गए थे, दूसरे बादशाह बेसिकली। फिर तो इसके बाद सुशांत ने बहुत सारी सुपरहिट मूवी दी, जैसे कि शुद्ध देसी रोमांस, पीके, जो कि राजकुमार ईरानी की मूवी थी, ऑल दो उसमें उनका बहुत ही छोटा सा रोल था। इसके बाद डिटेक्टिव व्योमेश बख्शी, उस मूवी में उन्होंने बहुत ही अमेजिंग एक्टिंग की थी। और इसके बाद आई MS धोनी एन अनटोल्ड स्टोरी, और इस मूवी ने तो सारे कीर्तिमान तोड़ दिए थे। और ऐसा सुशांत की एक्टिंग इस मूवी में ऐसी निखर कर आई थी कि बॉलीवुड में चमकते स्टार बन गए थे सुशांत। इसके बाद उन्होंने केदारनाथ मूवी की, सोनचिरिया मूवी की और छिछोरे मूवी की। छिछोरे मूवी इज वन ऑफ माय फेवरेट मूवी। इसमें वो अपने बच्चे को सिखाते हैं कि सुसाइड इज नॉट एन ऑप्शन। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि लोगों को इतने चहेते होने के बाद भी, लोगों को इतना कॉन्फिडेंस, इतना अच्छा लेसन देने के बाद भी सुशांत ने ऐसा स्टेप उठाया? क्या हुआ ऐसा कि एक बंदा जो इतना टैलेंटेड था, इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, फिजिक्स ओलंपियाड को क्रैक किया जिसने, ऐसा बंदा
जो 11 इंजीनियरिंग एग्जाम्स को क्रैक करके आया। ऐसा बंदा जिसने डीसी के एंट्रेंस एग्जाम में 7th रैंक प्राप्त की। ऐसा बंदा जो बिना किसी गॉडफादर के, बिना किसी सिल्वर स्पून के बॉलीवुड में धाक जमा के बैठा हुआ था। क्या हुआ ऐसा उसके साथ कि उसने ऐसा स्टेप उठा लिया, सुसाइड कर लिया। हम अपने नेक्स्ट पार्ट में सुशांत की मेंटेलिटी समझने का ट्राई करेंगे। हम ये ट्राई करेंगे कि ऐसा क्या हुआ उनके साथ बॉलीवुड में कि उन्होंने ऐसा स्टेप ले लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सुशांत सिंह राजपूत, यू आर अवर फेवरेट स्टार। थैंक यू।